जबकि विड्रॉवल के लिए पैसे थे उस टाइम पे, पैसे थे और उन्होंने उस पैसे से अपनी प्रॉपर्टी खरीद लिया और पैसे को खर्च करके अब बोलते हैं कि कंपनी घाटे में है। और बोलते हैं कि अभी बीच में उन्होंने इस तरीके का एडमिन के बीच, यूजर के बीच माहौल क्रिएट कर दिया कि पैसा एडमिन लोगों के बीच में है तो कहीं यूजर के बीच में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। और उन्होंने सेल्फ बहुत सारे पैसे खुद पे खर्च किए हैं जिसकी वजह से विड्रॉवल नहीं जा पा रहा है, ना विड्रॉवल दे रहे हैं ना ही वो यूजरों को प्रोडक्ट दे रहे हैं कोई भी किसी प्रकार का। और इस तरीके से वो कंपनी को घाटे में दिखा करके खुद को बस बचना चाहते हैं, जबकि आज हम लोग को उनकी हर एक तीन चार, जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी लिया है, जो भी उन्होंने पैसे खर्च किया है 3-4 करोड़ रुपए खुद के ऊपर खर्च किए, जिसकी वजह से आज ये परिस्थिति आई है। ठीक है, तो बस इतना ही। और वो जिस तरीके से कर रहे हैं, हम चाहते इतना है कि यूजर का पैसा, जो भी एडमिन का पैसा है जिसकी वजह से मार्केट में परेशानी है, वो सब कुछ को वापस करें और सब कुछ ठीक करें। नेक्स्ट मैम, आप। मैं ममता कुमारी, नालंदा जिला बिहार से। आज तक हम लोगों को धीरज सम्राट ने अंधेरे में रखे और हम लोगों को बदनामी भी किए हैं, और हमारे सीईओ सर जितने भी कागजात लिए हुए हैं वो पढ़कर हम लोगों को सामने सुनाए हैं, हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारा साथ दें। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललन कुमार गुप्ता, टॉम इस्लामपुर। आज ये जो प्रॉपर्टी का काला चिट्ठा जो हमारे सामने जो रखा गया, मेरे जो देखने को मिला, सच्चाई ये है कि पहले से ये हमारे धीरज सम्राट लोगों को गुमराह करते रहे, अपने सिर्फ स्वार्थ बस अपने को लोगों को करते रहे, सिर्फ एडीपी के नाम पर पैसा उगाही करते रहे, कभी विड्रॉवल के नाम पे, कभी ऑफर के नाम पे, सिर्फ अपने प्रॉपर्टी को खड़ा कर रहे थे। अपने लाइफ में ये लोगों को सिर्फ ठगा है, इसका ह्यूमन नेचर शुरू से ही है लोगों को ठगना। आज जो ये काला चिट्ठा प्रॉपर्टी का आया है, करोड़ों करोड़ों का गबन, ये बहुत ही मतलब कि लोगों को सिर्फ बरगला बरगला के, अपने को सिर्फ छुपा करके अपना मुखौटा सिर्फ इस्तेमाल किया है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने जो किया है आज तक कि ऐसा ही कंपनी किसी का भी, कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस किया इस तरह का नहीं आया जो इन्होंने किया है। आवाज हमारा ये संजले हैं जो हमारे धीरज सम्राट हैं, इनसे एक भाई आज भी ऑटो चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, एक भाई हलवाई का काम करते हैं, अनिशिका लेके उनको काम करने, इनके माता पिताजी आज भी उस पेट्रोल पंप पे गुमटी खोल के बैठे हैं, इनका माता पिताजी दोनों। ये आज का मैं सच्चाई बता रहा हूँ, पूर्व का नहीं, ये आज का। और इनके पिताजी खिलना खिलाया करते थे, सम्राट उसको अच्छी तरह पता है, क्योंकि जब मैं कुछ बोलता हूँ तो उसे लगता है मैं कुछ जानता नहीं हूँ, ये कैसे पता करें। तो मैंने कहा था कि निगरानी टीम हमारे हर कड़ी पे, और सिर्फ सम्राट पे नहीं, बहुत सारे जो हमारे लीडर है वो भी गद्दारी कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर भी लगा रखा हूँ और बहुत सा प्रूफ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि उस लीडर को मैं आम लोगों के बीच बदनाम करूँ, रिकॉर्डिंग और प्रूफ के साथ। ऐसा नहीं कि मैं हवा भाई नहीं बात बोल रहा, जो भी बोलता हूँ प्रूफ के साथ। और मैं उन सारे लीडरों से कहूँगा कि सम्राट की गलती में आप सहयोग मत कीजिए, वरना सम्राट का जो हाल होगा सर वो आपको भी होगा। क्योंकि जनता किसी को नहीं रोकती, जनता किसी को क्षमा नहीं करती, और सब लोग क्षमा भी कर दिया तो ऊपर वाले कभी क्षमा नहीं करें, इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए, इन्होंने कहा कंपनी घाटे में है, 12 तारीख याद कीजिए, जो भी एडमिन है उन्होंने कहा कंपनी घाटे में है, सर मैं लॉस में हूँ। तो चलिए मैं जरा लॉस का आपको उदाहरण आप लोग को दिखाता हूँ। आज तक मैंने और हमारी निगरानी टीम ने क्या किया और सशक्त टीम ने क्या किया, वही प्रमाण आज देता हूँ। जैसे हमारे जो मैं अभी साथ मिलाया हूँ, है ना, इस ग्रुप को जरा देखिए और उन्होंने क्या क्या बनाया, किसके किसके नाम से बनाया, कब कब डेट बनाया वो बताता हूँ। कंपनी का स्थापना हुआ है 22 जून 2022, कंपनी का स्थापना 22 जून 2022। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 22 जून 2022 के बाद फिर उन्होंने क्या किया है। अगर कैमरा नज़दीक में है तो मैं ज़रा सा नज़दीक करने का हूँगा और मैं दिखाना चाहता हूँ ज़रा सा पहले। चलिए, इन्होंने पहले प्रॉपर्टी कब खरीदा और कितने में खरीदा जो मैं बताता हूँ। पहले प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदा 28 सितंबर 2022, जिसके आप देख रहे हैं 9,38,000, जबकि ये 12 लाख
उस व्यक्ति ने लिया है, यानी यहाँ 14 लाख, कम से कम 14 लाख से ज़्यादा का खर्च हुआ है। ये पहला प्रॉपर्टी 28 सितंबर 2022, इन्होंने दूसरे प्रॉपर्टी कब लिया है 23 नवंबर 2022, और यहाँ इन्होंने किस नाम से लिया है देख लीजिए, पूजा एंड धीरज, पति धीरज, हाँ देख सकते हैं पूजा और धीरज। खरीदने बेचने वाला कौन था, वीरेंद्र कुमार और फेकू राम, यानी ये जो पूजा मैडम है इसका रिलेशनशिप है, ये शायद किसी को नहीं पता हमारे निगरानी टीम के अलावा, उसका रिलेशनशिप से खरीदा गया है, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी है, और इसमें गवाह के तौर पे कौन है, घनश्याम, इनका बहनोई जो राजगीर में गए थे आज है वही उनका बहनोई, देखिए घनश्याम प्रसाद ये उन्हीं का बहनोई है। अब बताइए सर ये किनकी गलती के कारण हुआ, और हम लोग सम्राट को कहते रहे, और जो लोग अभी कहते हैं कि सम्राट कुछ नहीं किया है, तो सर ये प्रॉपर्टी किनके हैं, कहाँ से आया प्रॉपर्टी, और ये 22 जून 2022 से बाद का सारा प्रॉपर्टी है, जब एपीआई का ड्रामा हुआ कि पैसा एपीआई ने ये किया वो किया, तो सारा कहाँ से आ गया, कहने का मतलब टोटल एडीपी का जो हम लोग कलेक्शन दिए हैं सब पैसा का, यही पैसा का है ना सर, क्योंकि मैं बताया ना इनका पिताजी ठेला चलाते थे, आज भी भाई इसका एक ऑटो चलाता है वर्तमान में, मैं बाइक की बात तो छोड़ दिया, आज भी इसका भाई एक ऑटो चलाता है, एक भाई हलवाई का काम करता है, एक भाई अभी रेस्टोरेंट खोला है नए, जिसको खुद ओपन करने के लिए आजमगढ़ गए थे, ये धीरा सम्राट खुद बिल्कुल एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति के घर इतना प्रॉपर्टी है। आप देख लीजिए 22 जून के कंपनी स्टार्ट हुआ है, सितम्बर से स्टार्ट हुआ है खरीदना, सितम्बर अक्टूबर जनवरी, सितंबर अक्टूबर जनवरी, यानी तीनों हमारी कंपनी स्टार्ट होने के बाद में आप कहते हैं पैसा लोगों को मैंने दिया है, और जब मैं फोन पे बात किया हूँ तो कह रहे कि पैसा मैंने दिया है लोगों को, दिया है अपने हिस्से का है, क्या ये 10% हिस्से में आ जाएगा, उन्होंने कहा 5 करोड़ का विड्रॉवल दिए हैं, तो कहाँ गया 5 करोड़, कभी आज तक किसी को हिसाब दिए नहीं दिए, और वो क्या करते हैं एक दूसरे लीडर को लड़ाने का प्रयास करते हैं, और कंटिन्यू कर रहे हैं बैक डोर से सपोर्ट लगाते हैं कि केस कीजिए आप ये कीजिए वो कीजिए। मैंने कहा सर कि वक्त आने से मैं सब कुछ बताऊंगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, मनोज दुबे सर एक ऑडियो डाले हैं कि सब सीईओ साहब के हैं, तो सीईओ साहब की प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, ना कि सम्राट सर के नाम से होनी चाहिए, बिल्कुल सीईओ साहब की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर सीईओ साहब की गलती है तो प्रॉपर्टी यहाँ आंख दिख रहा है। वैसे ही हमारे एक नालंदा जिला के भी एक दो लीडर हैं जो कहते हैं सर हमें अभी गलती साबित नहीं हुआ है, और जिस दिन उनकी हम हकीकत खोलेंगे ना, जैसे अभी सम्राट की हकीकत खोल रहे हैं तो उनको पानी पानी हो जाएंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि आप लीडर हैं और मेरे नालंदा जिला के लीडर हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप गलती करें और ऐसा आपके साथ आम पब्लिक के बीच में ये भुगतना पड़े। चलिए ओके थैंक यू, और इसका और बेहतरीन तरीके से हमारे सफाई देंगे। जो अभी बोले आप एक सर के हम लोग का जो बोले कि विड्रॉवल दिया है अपना था, तो लगभग हम लोग तो टॉप लीडर है, किनके झूठ बोले सर, 100% झूठ बोले, और मैं ये फोन करके कहा, मैंने कहा इसके कितना आया सुने सर आपके अकाउंट में, आपके सर कितना आया, हम 26 विड्रॉवल मारे थे, हम हकीकत बता रहे इसका, हमने बताया 26 विड्रॉवल मारे थे, जिसमें जब इन लोग बनारस आए मीटिंग में बारह के बाद, तो शायद इनकी दबाव से आप लोग के दबाव से हमको फोन करके हमसे पूछे कि आपका विड्रॉवल कितना रुका हुआ, लोग हल्ला करते हैं लेकिन मैं हल्ला नहीं, देखिए अगर उनकी पत्नी को पहचानते हैं तो ये देखिए उनकी पत्नी का फोटो है और ये सुनीता चौहान का है, जी है ना, इसकी पत्नी का है और ये सुनीता चौहान जिसमें मकान बना के रखे हैं, जो मकान बना हुआ 3 तल्ला इसी में है। चलिए ये प्रॉपर्टी मैंने दिखाया, दूसरा प्रॉपर्टी का मैं बतिका बताता हूँ, ये है दूसरे प्रॉपर्टी का बतिका जो हमारी निगरान टीम ने बहुत ही बारीकी से बिना किसी को खोज कर, ये देखिए ये उनकी पत्नी है और ये जिनसे खरीदे हैं उपेंद्र राम, ये इनके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जुड़ते हैं, शायद ये बात नहीं आप लोग की जानकारी होगी, देख रहे हैं ठीक है सर, पूरा डेट बाय डेट अमाउंट बाय अमाउंट ये सारा बसिका है जो अभी और आपको खुलासा हो सकता है। ये हुआ और तीसरा बसिका, जहाँ तक ये देखिए ये तीसरा बसिका है जो अपने पिता के नाम से खरीदा है ना बाल किशुन गोंड, ये देखिए उनकी पिताजी का ये फोटो तस्वीर है, शायद आप लोग नहीं पहचानते लेकिन मैं खूब अच्छी तरह से पहचानता हूँ और हमारी निगरानी टीम के नज़र में है, शायद जिनकी माता का फोटो है लेकिन यहाँ नहीं है मैं वो भी दिखा सकता हूँ, ये है ठीक है सर, किस डेट में है ये, किस डेट में बता रहा हूँ, ये
आपको जनवरी में है, ये सबसे लास्ट डेट में है, 23 जनवरी का, ये 19 जनवरी 2023 का है, ये प्रॉपर्टी जो है 19 जनवरी 2023 का, जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी खरीदे हैं 19 जनवरी 2023 का। और शायद इसका अकाउंट में भी हम लोगों ने पैसा डाला है, इसका अकाउंट में भी हम लोगों ने पैसा डाला है, वो हम लोगों के पास प्रूफ के तौर पे है इनका अकाउंट में भी। अब बताइए सर, ये किनकी गलती के कारण हुआ? और हम लोग सम्राट को कहते रहे, और जो लोग अभी कहते हैं कि सम्राट कुछ नहीं किया है, तो सर ये प्रॉपर्टी किनके हैं, कहाँ से आया प्रॉपर्टी? और ये 22 जून 2022 से बाद का सारा प्रॉपर्टी है, जब एपीआई का ड्रामा हुआ कि पैसा एपीआई ने ये किया वो किया, तो सारा कहाँ से आ गया? कहने का मतलब टोटल एडीपी का जो हम लोग कलेक्शन दिए हैं, यही सब पैसा का, यही पैसा का है ना सर? क्योंकि मैं बताया ना, इनका पिताजी ठेला चलाते थे, आज भी भाई इसका एक ऑटो चलाता है वर्तमान में, मैं बाइक की बात तो छोड़ दिया, आज भी इसका भाई एक ऑटो चलाता है, एक भाई हलवाई का काम करता है, और एक भाई अभी रेस्टोरेंट खोला है नए, जिसको खुद ओपन करने के लिए आजमगढ़ गए थे, ये धीरा सम्राट खुद, बिल्कुल एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति के घर इतना प्रॉपर्टी है। आप देख लीजिए 22 जून के कंपनी स्टार्ट हुआ है, सितंबर से स्टार्ट हुआ है खरीदना, सितंबर अक्टूबर जनवरी, सितंबर अक्टूबर जनवरी, यानी तीनों हमारी कंपनियां स्टार्ट होने के बाद में आप कहते हैं पैसा लोगों को मैंने दिया है, और जब मैं फोन पे बात किया हूँ तो कह रहे हैं पैसा, और बहुत से चेहरे जानते हैं, बहुत से सिर्फ नाम जानते हैं, कारण नहीं जानते। चलिए हमने, हम लोगों ने क्या प्रसन्न, मैं कहूँ तो मैं सारे लोग से काम करवाने का प्रयास किया, लोग किए भी, और मैं हर किसी व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया, चाहे हमारे विनोद पटेल सर हैं, ललन सर, राजकिशोर सर, या नंदकिशोर सर है, रजनीकांत, जितने भी लीडर हैं, मैंने सबको कहा कि ये भी चलने दीजिए, चलने दीजिए, और लोगों ने मेरे बात को स्वीकार किया, जबकि मैं जान रहा था कि केंद्रीय सर गलत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मैंने सबको रोका, और उन्हें मैंने कंटिन्यू समझाने का प्रयास किया, मीटिंग के दौरान भी, बाई फोन, फेस टू फेस, लेकिन कहते कुछ आ रहे हैं, करते कुछ आ रहे हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारे एडमिन जानते हैं, सारे जनता जानते हैं, इन्हें कि मैं ही जानता हूँ। और जब से इन्होंने एपीआईएल लाया उस समय तो क्या स्थिति बनाकर रख दी है, और हम लोग को बर्दाश्त से बाहर हुआ, और सारे एडमिन ने हम लोगों ने 12 तारीख 11 और 12 दो दिन का मीटिंग हुआ, जो सब लोग बनारस आए थे, यूपी से जितने भी थे वहाँ मीटिंग हुआ, और मीटिंग के दौरान सीएमडी साहब ने ये कहा कि एक हफ्ते के अंदर प्रोडक्ट और विड्रोवल फाइनल हो जाएगा सर, काम किया था, और शायद उसी का वजह हुआ कि सारे लोग थे, चलो भाई फिर से काम का स्टार्ट किया जाए, और एक हफ्ते इंतजार कर लिया जाए, विड्रोवल और प्रोडक्ट जाएगा तो फिर में आराम से जाएगा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। और उस समय से मेरी नज़रों में चल गए, और हमारे सशक्त टीम की नज़रों में चल गए, ये तो कहते हैं बिल्कुल गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, जबकि इससे पहले मैं मुझे विनोद पटेल बोला करते थे सर ये कंपनी चलाने वाले रहे, ये सिर्फ पैसा लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसे यकीन करते हुए मैंने रोकने का प्रयास किया कि विनोद पटेल आप अपना पैसा निकालेंगे, सारे लोग के लिए निकाले क्या सर यार, आप तो मान के चलते निकाल मैं निकालने वाले लेकिन आप सारे लोग जिनके पैसा है रो रहा है, बच्चे जिनके बहुत है और जो रो रहा है गाली तरह वो सुनेगा, चलिए वहाँ तक ठीक हुआ, लेकिन हमने 12 तारीख के बाद मेरा भी विश्वास उन्होंने किया, और जो कहे वो बिल्कुल नहीं कहे, और इसलिए मैंने एक निगरानी टीम का तो गठन हुआ, उसके साथ एक निगरानी टीम है जिसे मैं ओपन अभी भी नहीं करूँगा, आप लोग के बीच बोलता जो हमारी निगरानी टीम है उसका अभी भी हम ओपन नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैं कुछ और में जानना है, और उसी निगरानी टीम के जरिए, और एक कौन व्यक्ति है सर मैं कभी भी ओपन नहीं करूँगा जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं होता। और रह गई उस समय से निगरानी टीम ने आप पूरे हिस्ट्री मैंने बता के देख लिया, अब मैं थोड़ा सा पहले सम्राट के बारे में बताना चाहता हूँ, धीरज कुमार, धीरज सम्राट नहीं बल्कि धीरज कुमार, ठीक है, उनका आधार कार्ड देख लिया, धीरज कुमार पिता बाल किशुन गोंड, घर सिधौना, लालगंज, जिला आजमगढ़, इनका जन्म स्थान है, ठीक है, इनका नानी घर है सारनाथ, इनका बहन का भी साथी है सारनाथ में, और जिसके पास अभी हम लोग को मीटिंग में लेके थे वो कहीं ना बुआ की लड़की है, वो दूसरा अपना बहनोई नहीं है, अब इसकी आज भी एक छोटा भाई, मैं गणपत कुमार गौरव, एडीपी एसोसिएट सीईओ, सर हम लोगों ने बहुत सम्राट सर को समझाने का प्रयास किया, जिसका मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, मैंने ये हमेशा चाहा सब लोगों के बावजूद भी कि कंपनी चले, कंटिन्यू चले, लेकिन मेरे लाभ कहने के बावजूद भी वो सर वो चलाने के मूड में नहीं है, और जब मैं उनको हमेशा कहता रहा कि मेरे पास प्रूफ है अपने प्रॉपर्टी बेच के लोगों को दीजिए, लोगों को भला कीजिए, लेकिन वो हमेशा इनकार करते रहा, यहाँ तक उन्होंने ये कह दिया कि सर मुझे ज़्यादा टॉर्चर करेंगे
तो मैं सुसाइड कर लूंगा और इसका जिम्मेदार सब लोग होंगे, जिसका ऑडियो क्लिप भी है। समय आने पे, वक्त आने पे मैंने सुनाया हेडिंग को और दूंगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी बेच के लोगों को ना प्रोडक्ट देंगे ना विड्रोवल देंगे। इसलिए सर उनसे मैं, हम नहीं बल्कि पूरे लोग नाराज हैं कि लोगों को पैसा आपने लूटा है। और ये प्रॉब्लम कब से आया है सर, आप ये देख सकते हैं, प्रॉब्लम तभी से आया जब से प्रॉपर्टी खरीदा है। पहला प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदा 23 सितंबर 2022 हमारी कंपनी का स्थापना हुआ है, 22 जून 2022 प्रॉपर्टी पहला खरीदा गया 23 सितंबर 2022। उसके बाद 23 सितंबर के बाद दूसरा जो प्रॉपर्टी खरीदा गया 28 सितंबर पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी 23 नवंबर 2022 और तीसरा प्रॉपर्टी 19 जनवरी 2023। यानी आप जनवरी से प्रॉपर्टी खरीदे और फरवरी से उसी समय से जब से प्रॉपर्टी खरीदे हैं बिल्कुल का कंडीशन खराब होता गया। और मैं कहने के बावजूद भी वो लोग नहीं माने, और मैं चाहता हूं कि अब ये सारे लोग कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे और इनसे प्रॉपर्टी लेने का प्रयास करेंगे, लोगों को देने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और आगे और सब लोग से थोड़ा सा चलिए सर अपना पता दीजिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार पटेल, जैसा कि आप लोग जानते होंगे एडीपी सिंडिकेट हेड के रूप में, और कहीं ना कहीं सशक्त परिवार भी बना दिया गया। उस समय हम लोग को मौका दिया गया जिस समय कंपनी का धीरज सम्राट ने पैसा लूट चुका था। बाकी सर मैं आप लोगों से क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार है, इतना देखने के बाद अगर आप लोगों को समझदारी नहीं आएगी तो मैं फिर क्या कह सकता हूँ। बाकी नमस्ते सर। नमस्कार, मैं सूर्य कुमार विश्वास। दोस्तों मैं एडीपी एसोसिएट का मैं मेम्बर हूँ, और काफ़ी इस समय प्रॉब्लम चल रही है हम लोग की टीम में, और जो कि विड्रॉ न आने के कारण और प्रोडक्ट न मिलने की वजह से, इसलिए हम लोग बहुत समस्या में है, इसका निदान किया जाए तो बहुत अच्छा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सौरभ आनंद है, और हम एक यूजर के रूप में हम लोगों से बात करना चाहेंगे। सभी यूजर हमारे, हम लोग का साथ दें, सभी एडमिन का साथ दें, और कोई परेशान ना हो कि हमारे सभी यूजर सोच रहे हैं कि पैसा हम एडमिन लिए हैं, लेकिन एडमिन नहीं लिए हैं, हमारी कंपनी के जो मालिक है जिन्होंने एडीपी एसोसिएट का स्थापना की, उन्होंने सारे पैसे मार्केट से हम लोगों के माध्यम से लिया है और सारा पैसा लेकर के प्रॉपर्टी बनाया है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी लोग, तो हम यूजरों से मतलब एडमिन लोग का साथ दें। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललन कुमार गुप्ता, फ्रॉम इस्लामपुर। आज ये जो प्रॉपर्टी का काला चिट्ठा जो हमारे सामने जो रखा गया, मेरे जो देखने को मिला, सच्चाई ये है कि पहले से ये हमारे धीरज सम्राट लोगों को गुमराह करते रहे, अपने सिर्फ स्वार्थ बस अपने को लोगों को ठगते रहे, सिर्फ एडीपी के नाम पर पैसा उगाही करते रहे, कभी विड्रॉवल के नाम पे, कभी ऑफर के नाम पे, सिर्फ अपने प्रॉपर्टी को खड़ा कर रहे थे। अपने लाइफ में ये लोगों को सिर्फ ठगा है, जिसका ह्यूमन नेचर शुरू से ही है लोगों को ठगना। आज जो ये काला चिट्ठा प्रॉपर्टी का आया है, करोड़ों करोड़ों का गबन, ये बहुत ही मतलब कि लोगों को सिर्फ बरगला के, अपने को सिर्फ छुपा करके अपना मुखौटा सिर्फ इस्तेमाल किया है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने जो किया है आज तक कि ऐसा ही कंपनी किसी का भी कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस किया इस तरह का नहीं आया जो इन्होंने किया है। और आज हमारा आंखों के सामने से पर्दा जो है उठ गया। मैं शक सुबह में बहुत तरह का अंदर में इंटरनल सोच रखा था कि कोई ना कोई इसमें गलत या सही कर रहा, हमारे बिहार के ही लोग कर रहा है, लेकिन नहीं, जो हमारा मंत्री ही चोर हो और उसका ये सोच हो, और यही हमको सोच करके जरा सा भी दिक्कत जो भी आई, परेशानी आई, इसके कारण आई। आज मैं घर में सुन रहा हूँ, बहुत सारे यूजरों से सुन रहा हूँ, और आज इस तरह के मैं बेबस हूँ कि आज सभी कंपनी से भरोसा उठ गया। ऐसे ऐसे गद्दार को अगर सरकार हमारा सुनते हैं, मेरा रिक्वेस्ट लोगों को जो इस तरह से लूटा है हमारे माँ बहन को, हमारे भाई लोग को, मेरे सिंडिकेट शरीफ को, हमारे जितने भी सीनियर लीडर को, मैं आग्रह करता हूँ से लिया है और सारा पैसा लेकर के प्रॉपर्टी बनाया है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी लोग, तो हम यूजरों से मतलब एडमिन लोग का साथ और सपोर्ट दें, और जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़ रही है वहाँ पर साथ और सपोर्ट चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट दोस्तों, नमस्कार, मैं कृष्ण प्रजापति यूपी से, और दोस्तों मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आज मेरी आँखें खुल गई है, क्योंकि उन्होंने मार्केट का जो पैसा था पूरा प्रॉपर्टी खरीद चुका है
और एक रुपये विड्रॉल आने वाला नहीं है, कृपया आप सभी एडीपी में काम। थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, मैं बलिराम कुमार पटना बिहार से हूँ। आज जो मैंने सच देखा उसके देखते ही मुझे आग सी जलन हो रही है। मैं जीरो को बताना चाहता हूँ कि अगर अभी भी आप लोग कुछ कर रहे हैं, लाईडी लगा रहे हैं, तो मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि जो आप वॉलेट पैसा भेज रहे हैं वो हरेक अलग अलग अकाउंट जो करके पार्ट बाई पार्ट करके वो दूसरे के अकाउंट में ले रहा है, तो इसे आप सतर्क रहेंगे, आप बचेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मैं रजनीकांत प्यारेलाल समिति अभी मेंबर में बनाया गया है, लेकिन काफ़ी दुख होता है। ऑल यूज़र जितने सारे लोग हैं काफ़ी तकलीफ में हैं, और उसका तकलीफ का जो कारण है वो विरत सम्राट से सारे पैसे उनके अकाउंट में गए हैं और वो हम लोगों से छल किए हैं, जिसका परिणाम आज हम लोगों को हक में है। इसके सर हाथ में सभी लोगों ने हम लोगों ने पढ़ा है, और हम लोग को सपोर्ट चाहिए आप लोगों से, और जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ऑल एडमिन ऑल यूजर सपोर्ट करें ताकि हम लोग लीगली तरह से आगे बढ़ने का काम करें। दोस्तों नमस्कार, मैं नंदलाल यादव मिर्जापुर, और मैं बताना चाहता हूँ कि धीरा सम्राट ने सारे यूजर का पैसा लगभग 4 से 5 करोड़ रुपये अपने ऐसो आराम के लिए खर्च कर दी, अपना प्रॉपर्टी बनाने के लिए खर्च कर दी, और एक राजशाही व्यवस्था अपने लिए बना ली है, और सारे यूजर का पैसा मार कर सारे लोगों का विचार रोक कर सबको एकदम अंधेरे कुएं में ढकेल दिए हैं। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो लोग अभी काम कर रहे हैं वो सभी लोग एडीपी का काम करना बंद करें, और धीरा सम्राट से अपना पैसा वसूलने के लिए लीगली तरीके से तैयार रहें, जब भी जरूरत पड़ेगा हमारा सहयोग करने के लिए तैयार रहें। ओके, ठीक सर। नमस्कार साथियों, मैं नंदकिशोर पासवान एडीपी एसोसिएट, मुझे सिंडिकेट हेड बिहार भी बनाया गया था, वो भी केवल नाम का, कोई अधिकार नहीं, और सशक्त कमेटी का मेम्बर भी बनाया गया, लेकिन उस समय बनाया गया जब हमारे एडीपी कंपनी के सीएमडी धीरज कुमार और धीरज सम्राट घाटा शो कर रहे थे, और सारे पैसे से अपनी प्रॉपर्टी को ही से बनाया उन्होंने, और उधर ले लीजिए। नेक्स्ट सर, आप है ठीक है ना, जो मुंह बोला बनो, ये अपना नहीं है। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी जिसकी कीमत आप देख रहे होंगे 28,44,000 है, 28 लाख, जबकि मिनिमम लगभग 40 लाख का प्रॉपर्टी है, 28 लाख जो शो कर रहा है ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी में उन्होंने घर बनाया है जो करोड़ों की लागत से है, इसी प्रॉपर्टी में जो घर बनाया है वो करोड़ों का लागत से लगा है, 3 तल्ला मंजिली है, वो आप लोग मैं चल के दिखा सकता हूँ, उसकी जरूरत आएगा तो मैं दिखा रहा हूँ। और ये पैसा किससे खरीदे हैं जमीन, जो विनोद पटेल, रजनीकांत, मैं ममता मैडम इसी के अकाउंट में पैसे डाले हैं, इसी के अकाउंट में पैसे हम लोग ने डाले हैं, वो प्रूफ है। सुनीता चौहान इसके नाम यहाँ पे, वहां पूजा के अलावा पूजा गोंड पति धीरज कुमार देख रहे हैं, यहाँ भी उसका बहनोई है गवाह के तौर पे, घनश्याम प्रसाद है ना, एक है गौतम चौहान, दुखी चौहान। चलिए ये दूसरी प्रॉपर्टी, अब मैं तीसरी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, जो इन्होंने शायद इसको इतने सेक्रेट से रखे कि शायद हमारी निगरानी टीम के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था, कभी नहीं कर सकता था। ये अपने पिताजी के नाम से खरीदा है, और ये आजमगढ़ में खरीदा है, और खरीदने वाला कौन है, बेचने वाला अजय कुमार, गरीबन सिंह, विजय कुमार, दोनों भाई से प्रॉपर्टी खरीदे हैं, इसका कीमत आप देख रहे हैं 29,91,000 है, जो कम से कम ये भी 50 लाख का प्रॉपर्टी है, ये सरकारी आंकड़ा मुझे बता रहा है, मैं इस पर अभी निगरानी टीम को छोड़ रखा हूँ, कितना पैसे मिली है मैं वो इंक्वायरी करके आप लोगों को दूंगा ठीक है। यहाँ किसे खरीदा है, बाल किशुन, पिता का नाम सीरी, शायद उसका दादा का नाम कोई नहीं जानते होंगे, और ना ही पिताजी का, बड़े कम लोग जानते होंगे, लेकिन मैंने वो मेरी निगरानी टीम में वो खोज करके दिखाया, पिता बाल किशुन गोंड, दादा का नाम हुआ सीरी, और ये वहीं आजमगढ़ में प्रॉपर्टी खरीदे हैं, ये 3 प्रॉपर्टी खरीदे हैं। इसके अलावा स्कॉर्पियो जो देख रहे हैं पूजा गौंड के नाम से, उन्हीं पत्नी के नाम से है, डिजायर है उन्हीं की पत्नी के नाम से, एक गाड़ी है उन्हीं के नाम से, और कहें तो इनकी पत्नी के लगभग 50 लाख का गहना होगा कम से कम, जो मैंने रियली हमारी निगरानी टीम में दिया है वो और करोड़ों में जा सकता है, लेकिन जो हमारा आंकड़ा निगरानी टीम में प्रूफ के तौर पर दिया है कि लगभग 50 लाख का गहना है, 50 लाख का गहना है, और उसमें क्या क्या शामिल है सर, ये वक्त आने पे हमारे निगरानी टीम अभी भी वो खोज में लगा हुआ है, बैठे हुए नहीं है, और कहते ना कि प्रूफ चाहिए, ये मैंने प्रूफ दिया, और इसका मैंने देखे ये बसीका निकलवाया हूँ, मैं सिर्फ वहां तक नहीं रुका हूँ, ये सारे का मैंने बसीका निकलवाया हूँ,
ठीक है। आप ये देख सकते हैं पत्रिका में उनकी पत्नी का फोटो और पिताजी का फोटो भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। मैं हमारी निगरानी लोग हल्ला करते हैं लेकिन मैं हल्ला नहीं, देखिए अगर उनकी पत्नी को पहचानते हैं तो ये देखिए उनकी पत्नी का फोटो है और ये सुनीता चौहान का है, जी जी है ना, इसकी पत्नी का है और ये सुनीता चौहान।